साथियों नमस्कार, मैं महेश चंद्र कौशिक अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के मेरे वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप एक खुदरा दुकानदार की तरह अपने शेयर बाजार की दुकान बढ़ा करके पर डे शेयरों से इनकम कमा सकते हैं। दुकानदार शेयरों से इनकम कमाता है, असल में क्या होता है, जो भी आपको शेयर बाजार की विधियाँ बताई गई है वो मार्केट के चलने पे तो परफॉर्म करती है, लेकिन जब मार्केट साइडवेज होता है या मार्केट पूरे महीने भर नीचे ही चलता रहता है तब उन विधियों से आपको नियमित इनकम नहीं होती। और कभी कभी इससे क्या होता है कि मेरे फॉलोअर्स को घबराहट होने लगती है। काफ़ी फॉलोअर्स ने मुझसे पर्सन पूछा कि सर ऐसा क्या उपाय है कि रोज़ इनकम कमाए, कि दुकानदार कैसे रोज़ कमाता है। दुकानदार दुकान खोल के बैठता है, किसी बिजनेस में यदि रोज़ इनकम नहीं हो तो उस आदमी को घबराहट होने लगती है। मुझे तो नहीं होती, लेकिन फॉलोअर्स को होती है। फॉलोअर्स देखते हैं कि आज मार्केट खुला, आज कुछ ना कुछ कमा के घर पे लेके जाए, इसलिए तो वो इंट्राडे वगैरह में आ जाते हैं फॉलोअर, क्योंकि उनको रोज़ इनकम की जरूरत होती है। तो बिना इंट्राडे किए मार्केट की सबसे सुरक्षित विधि, मैं ये मानता हूँ कि आज तक मैंने भी जो आपको विधियाँ बताई है, आपने कहीं भी किसी भी चैनल पर पढ़ी हो सुनी हो, उनमें यदि निवेश की सबसे सुरक्षित विधि है यदि कोई, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। उसमें हम एक दुकानदार की तरह इसके अंदर ट्रेडिंग करेंगे और आपको पर डे मुनाफा कैसे कमाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है एक आधा दिन कभी खाली निकल जाए, बाकी लगभग आपको आमतौर पे इसमें पूरे दिन आपको मुनाफा हुआ ही करा करेगा। और ये विधि कौन सी है, ये विधि देखो, मैंने पहले मेरी किताब है शेयर बाजार में सफल कैसे हो, इस किताब में आपको बताई है। तो शेयर बाजार में सफल कैसे हो इस नाम से किताब प्रभात प्रकाशन ने छापी है, इसके अंदर, इस किताब के अंदर ये पहला पार्ट था, अपने शेयर बाजार के निवेश को किसी खुदरा व्यापार के रूप में देखें। तो इसके अंदर ये विधि बताई गई थी शॉपकीपर अप्रोच की, कि दुकानदार की तरह, एक किराने का दुकानदार होता है, उसके पास अगरबत्ती के पैकेट भी मिलते हैं, उसके पास गुड़ भी होता है, चीनी भी होती है, चाय पत्ती भी होती है। अब उसके कभी दाल का ग्राहक आता है तो दाल बेच देता है, कभी चीनी का आता है चीनी बेच देता है, कभी गुड़ का आता है तो गुड़ बेच देता है, अगरबत्ती मांगने वाला आता है तो अगरबत्ती बेच देता है। ऐसे ही हमारे शेयर बाजार का सिस्टम है कि यदि हम अलग अलग शेयर रखते हैं, बहुत से शेयरों में थोड़ा थोड़ा निवेश अलग अलग रखते हैं, तो जब भी मार्केट में कभी किसी शेयर की डिमांड आती है, कभी किसी की आती है, कभी किसी की आती है, और काम चल जाता है। इस किताब का इंग्लिश अनुवाद भी उपलब्ध है, हाउ टू मेक प्रॉफिट इन स्टॉक शेयर मार्केट, हाउ टू मेक प्रॉफिट इन शेयर मार्केट। असल में ये मेरी पहली किताब है जिसको मैंने द विनिंग थ्योरी इन स्टॉक मार्केट के नाम से लिखा था। शुरू में amazon.com पर ये US से पब्लिश हुई थी, द विनिंग थ्योरी इन स्टॉक मार्केट। इसको बाद में जब प्रभात प्रकाशन ने छापा तो इसका नाम इन्होंने बदल दिया, हाउ टू मेक प्रॉफिट इन शेयर मार्केट कर दिया। इसका इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी चारों वर्जन उपलब्ध है। मैं इस किताब का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप बाद में इसको पढ़ सकते हैं, नहीं भी पढ़े तो वीडियो देखने से आपका काम अच्छी तरह से चल जाने वाला है। आज के वीडियो में ये बताने वाला हूँ, एक कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम आपको बताने वाला हूँ। कंप्लीट एक ट्रेडिंग सिस्टम होगा जिसके अंदर आपको पर डे प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा। पर डे प्रॉफिट कमाने की पहली शर्त सुनिए, पहली शर्त, पहला नियम इसके अंदर क्या है। पहला नियम यह है कि यदि आप रोज कमाना चाहते हैं तो आपको रोज खरीदारी भी करनी पड़ेगी। तो इस सिस्टम में हम रोज एक शेयर खरीदेंगे, एक शेयर का मतलब एक कंपनी के शेयर खरीदेंगे। अमाउंट तो मैं आपको भी डिस्क्राइब कर दूंगा कि आपके पास कितना पैसा है, 1,00,000 रुपए तो आपको कितनी अमाउंट एक बार में लगानी है, एक दिन में 2,00,000 रुपए तो आपको कितनी लगानी है, 3,00,000 है तो कितनी लगानी है, 4,00,000 है तो कितनी लगानी है, 5,00,000 है तो कितनी लगानी है, वो सब मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। और वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो जाए क्योंकि कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम है, पूरा कंप्लीट ट्रेडिंग मेथड है। ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो आप लोग इसको देखते हुए संकोच महसूस करेंगे, आपको टाइमिंग दिखेगा 1 घंटे का, तो इसलिए इसको कुछ भागों में हम बढ़ाएंगे। आज के इस पहले भाग में सबसे पहले मैं आपको पहला नियम बता देता हूँ। इसका पहला नियम यह है कि आपको रोज शेयर बाजार में कमाने के लिए शेयर रोज खरीदने भी पड़ेंगे, और वो शेयर हम रोज खरीदेंगे तो किसी एक कंपनी का शेयर हम खरीदेंगे। और अब आपको इसका दूसरा नियम बता देता हूं। दूसरा नियम इसका यह है कि कंपनी का शेयर न खरीद करके, पर्टिकुलर न खरीद के हम इसमें ETF खरीदेंगे। हमारी दुकान जो बनेगी शेयर बाजार की, उसको हम ETF के द्वारा बनाएंगे। और ETF के अंदर अब आपके पास समस्या रहती है, आप लोग पूछते हैं कि साहब ETF में तो वॉल्यूम कम होता है, ETF में होता है, ऐसा कोई वॉल्यूम कम नहीं होता। आजकल तो बाजार में ETF में उल्टा ज़्यादा वॉल्यूम होता है, शेयरों से भी ज़्यादा वॉल्यूम होता है, क्योंकि ETF और शेयरों के अंदर मेन अंतर आप समझ लीजिए। शेयर मान लीजिए हम एवरेज करते हैं, किसी कंपनी का हम शेयर एवरेज करते हैं, मान लो HMT का शेयर था, किसी ज़माने में बहुत लोकप्रिय था क्योंकि उस समय हाथ में घड़ी पहनी जाती थी, आज आप मेरे हाथ में घड़ी नहीं देख सकते, मैं मोबाइल में टाइम देख के टाइम काम चला लेता हूँ। ऐसे किसी ज़माने में जब घड़ी पहनी जाती थी तो HMT का शेयर बहुत ही लोकप्रिय शेयर था, बहुत नई नई हाइज पे जाता था, नई नई ऊंचाइयों पे जाता था। आज आप देख सकते हैं कि घड़ी का ज़माना गया तो HMT भी धीरे धीरे कंपनी बैठ गई। रेमिंगटन है, टाइप मशीन बनाती थी, टाइप राइटर बनाती थी, तो जिसके अंदर ऐसे टाइप करते थे लोग,
ऑफिसों में आपने देखा होगा, तो वो टाइप मशीन बनाने वाली कंपनी का शेयर है अब आजकल ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि अब टाइप मशीन का जमाना गया, अब लोग कंप्यूटर पर टाइप करने लग गए। इसी तरह पहले नोकिया के फ़ोन आते थे, अब आप देख सकते हो कि अब स्मार्टफोन का जमाना आ गया। तो कंपनियों का बिजनेस स्टाइल बदलता रहता है। अब क्या पता चले किसी कंपनी के बारे में, लोग मुझे पूछते हैं कि सर ये कंपनी कैसी है, तो 10 साल बाद उसका बिजनेस मॉडल क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, किसको पता चल सकता है। लेकिन ETF में चूंकि एक शेयर नहीं होता, पूरी शेयर की बास्केट होती है, तो उसमें आपका रिस्क फैक्टर ETF में सबसे कम होता है। और ETF अब आप कहोगे साहब ETF में मज़ा नहीं आता, आपको मज़ा चाहिए, आपको 20-20% प्रॉफिट रोज चाहिए, 10-10% रोज चाहिए, तो इसमें हमारा टारगेट क्या है, एक दुकानदार क्या कमाता है, हमारा टारगेट ये कि किसी एक ETF के अंदर हमें 6% प्रॉफिट मिल जाएगा तो हम इसमें प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो आपको पहला नियम समझ में आ गया। पहला नियम यह है कि इसमें आपको रोज़ खरीदारी करनी पड़ेगी। कितने रुपए की करनी है रोज़ खरीदारी, वो मैं भी आपको बताऊंगा। आपकी पूंजी 1 लाख रुपए तो कितने ही करनी है, 2 लाख है तो कितने ही करनी है, 3 लाख है तो कितने ही करनी है, 4 लाख है तो कितने ही करनी है, 5 लाख है तो कितने की करनी है। दूसरा नियम यह है कि इसमें हम रोज़ एक क्या खरीदेंगे, एक ETF में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे पर डे। दूसरा नियम यह है कि इसके अंदर हम एक ETF में पर डे इन्वेस्टमेंट करेंगे। और तीसरा नियम यह है कि इसके अंदर प्रॉफिट टारगेट हमारा 6% का रहेगा। और अब आपको मैं समझा देता हूं कि पहले आपको ये दिखा देता हूं कि ETF भारतीय शेयर बाजार में कितने ETF लिस्टेड है और उनमें से हम किन किन ETF का इस विधि के अंदर प्रयोग करने वाले हैं। आज के पहले वीडियो में आपको सिर्फ इतना ही बताया जाएगा कि किन किन ETF का हम प्रयोग करने वाले हैं और कैसे कैसे करने वाले हैं, वो मैं भी आपको समझा देता हूं। तो इस सिस्टम के लिए हम ETF का प्रयोग करेंगे और भारतीय शेयर बाजार में 164 अभी लिस्टेड है। और इस 164 ETF में से भी 62 ETF ऐसे हैं जो 10,000 से कम जिनका वॉल्यूम है। तो मैं भी आपको इनकी एक्सेल सीट डाउनलोड करना सिखाऊंगा कि NSE की वेबसाइट से जाके एक्सेल सीट में कैसे आप सारे इन 164 ETF की लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि उसमें से आप कैसे इनको वॉल्यूम के आधार पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि किन के वॉल्यूम 10,000 से कम है, उनमें से आपको 62 ETF ये डिलीट कर देने हैं जिनका वॉल्यूम 10,000 से कम है। उसके बाद भी हमारे पास 102 ETF पीछे बच जाते हैं। इनमें से ये 19 ETF जो है 19 ETF डेप्ट फंड से संबंधित है, तो इनको भी हमें डिलीट करना है। इसमें से डेट फंड को इसलिए डिलीट करना है क्योंकि अब हमारा 6% का प्रॉफिट टारगेट है, डेट में तो 6% आते आते साल डेढ़ साल का समय लगेगा, तो हम इसको ट्रेडिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो इन डेट फंड को डिलीट करने के बाद 83 फंड ऐसे बचते हैं हमारे पास जो या तो इक्विटी से संबंधित है, जिसके अंदर आपके भारतीय शेयर बाजार की इक्विटी भी है और नैसडेक पे आधारित ETF भी है, हमारे USA के शेयर बाजार पे आधारित ETF भी है, हमारे पास हैंगसेंग पे आधारित ETF भी है, यानी विदेशी मार्केट आपके नैसडेक हैंगसेंग इन पे आधारित ETF भी इन 83 के अंदर आ जाएगा। और इन 83 के अंदर आपके पास गोल्ड ETF भी है, जब सोने का प्राइस बढ़ेगा तो आप सोने की ट्रेडिंग में भी आपको 5-6% प्रॉफिट इजीली मिल जाता है। चांदी के ETF भी है, तो चांदी का भी इन 83 ETF में शामिल है। तो हम इन सिर्फ 83 ETF की ही हमारी शेयर बाजार की दुकान बढ़ाएंगे। तो मैं आपको शॉप कीपर अप्रोच जो मेरी किताब में बताई थी उसका ये वीडियो है और इस वीडियो को 2-3 भागों में बनाया जाएगा। तो इसके अंदर आपको इन 83 ETF जो है, इन 83 ETF का प्रयोग करके ही पूरी शॉप कैसे डेवलप करनी है, शॉप में कैसे मुनाफा कमाना है, क्या टारगेट रखना है, कैसे क्या करना है, पूरी शॉप कैसे डेवलप करनी है, इन 83 ETF में करेंगे। और अभी मैंने आपको ETF और स्टॉक के बारे में बताया ना कि स्टॉक चूज नहीं करते, ETF करते हैं। तो ETF के और भी बहुत से फायदे हैं, हम गिरते हुए ETF को एवरेजिंग आउट आराम से कर सकते हैं। यदि ETF गिरता है तो हम उसको एवरेज आउट आराम से कर सकते हैं, लेकिन शेयर जब गिरता है उसको एवरेज आउट करते हो, किसी ने यस बैंक का शेयर है 800 रुपये से गिरना चालू हुआ, उसको एवरेज आउट कोई करता गया, तो 6 रुपये भी आ गया था यस बैंक का शेयर, तो आज तक वो फंसा हुआ होगा वो आदमी। तो इसलिए शेयर को यदि एवरेज आउट करते हैं तो वो लंबे समय तक उसमें ट्रैप हो जाता है, लेकिन ETF चूंकि कई शेयरों का कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें बाउंस बैक आने की संभावना रहती है। मैं इसका पूरा सिस्टम बताऊंगा कि आपको ETF कब खरीदना है, मेन बात है कि किस पॉइंट पे आपको ETF को पकड़ना है, ये आपको पूरा सिस्टम बताऊंगा। इन 83 ETF में आपके 7 तो अकेले निफ्टी के ETF ही है, 7 ETF ऐसे निफ्टी पर आधारित है। तो हमने ऐसा नहीं किया कि निफ्टी के 6 डिलीट कर दिए और इसमें 1 रख लिया खाली, ऐसा नहीं किया, 7 तो रखे हमने। मेरी जो एल्केमिस्ट विधि है, जिन्होंने नहीं देखी उसका वीडियो देखना, उसे मैंने आपको बताया अच्छी तरह समझाया है एल्केमिस्ट विधि में कि ETF भले ही निफ्टी पर आधारित हो लेकिन उसको अलग अलग प्राइस पर खरीदते हैं तो वो अलग अलग तरह से परफॉर्म करेंगे। अलग अलग प्राइस पे जब अलग अलग ETF आएगा, अब आप एक ETF को एवरेज करते हैं यदि, तो उसमें उसका एवरेज प्राइस तो जब वो बढ़ता है मार्केट तभी आपको मिलेगा, लेकिन यदि अलग अलग निफ्टी के ETF खरीदते हैं तो जो सबसे लास्ट में खरीदा गया, जो सबसे पहले पे खरीदा गया, उसमें प्रॉफिट सबसे
पहले बुक हो जाएगा। और फिर हमारा 6% का प्रॉफिट टारगेट है, हम एक ही निफ्टी का रखेंगे। निफ्टी मान लो लगातार 40-50% की निफ्टी के अंदर आगे लगातार जो तेजी चलती रहती है, बुल रन आ जाता है यदि मान लो, तो फिर आप किसने प्रॉफिट कमाएंगे? तो 7 अलग अलग होंगे, तो पहला 6% बढ़ने पर बिक जाएगा, दूसरा उससे 6% बाद में बिक जाएगा, तीसरा उससे 6% बाद में बिक जाएगा। तो इस तरह से आपकी दुकानदारी चलती रहेगी। सारा सिस्टम दुकानदारी पर आधारित है, इसलिए हमने इसमें 7 निफ्टी के ETF रखे हैं, 6 ETF बैंक निफ्टी पर आधारित है, उन 6 को हमने इसमें स्थान दिया है, 5 ETF इसमें निफ्टी नेक्स्ट 50 पर आधारित है, उनको भी स्थान दिया है। ऐसे ही 5-6 ETF जो है सोने पर आधारित है, उनको भी स्थान दिया है, 4-5 ETF इसमें चांदी पर आधारित है, तो उनको भी हमने स्थान दिया। कुल मिलाकर 83 ETF में हमें ट्रेडिंग करनी है। अब मैं आपको NSE की वेबसाइट पर जाके प्रैक्टिकल में दिखा देता हूं कि इन ETF की लिस्ट आपके कैसे तैयार होगी। भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड सभी ETF की लिस्ट एक साथ एक्सेल फाइल के रूप में डाउनलोड करने के लिए आप NSEIndia.com वेबसाइट पर आ जाइए। NSEIndia.com वेबसाइट पर जब आप यहां जाएंगे, आप ये टॉप 5 स्टॉक निफ्टी 50 लिखा हुआ है, इसके नीचे जाइए, व्यू ऑल लिखा हुआ है, व्यू ऑल के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये निफ्टी 50 के सभी स्टॉक आ गए। इसके पास में SME मार्केट का लिंक है, और इसके पास में आप जाएंगे तो आप देखेंगे आपको सोवेरेजियन गोल्ड बॉन्ड का लिंक दिया हुआ है। सोवेरेजियन गोल्ड बॉन्ड का वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, वो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसके पास में ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की लिस्ट पूरी एक साथ आ गई। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में आप देख सकते हैं, ये वॉल्यूम के आधार पर भी इसको आप ऐसे शॉर्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम सबसे ज़्यादा अभी गोल्ड बीज में हो रहा है, सबसे ज़्यादा गोल्ड बीज में वॉल्यूम है, फिर CPSE ETF में है, और यहाँ आप डाउनलोड CSP लिखा हुआ है, इस डाउनलोड CSP पे जब क्लिक कर देंगे तो फाइल डाउनलोड होके एक्सेल की आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगी। तो इस एक्सेल की डाउनलोड हुई फाइल को आप ऐसे ओपन कर सकते हैं यहाँ से, तो पूरी लिस्ट आपकी एक साथ डाउनलोड होके एक्सेल फाइल के रूप में आ जाएगी। तो अब ये कुल 164 ETF आपके पास आ गए, और इन 164 ETF में हम इनको वॉल्यूम के अनुसार भी सिलेक्ट करेंगे। आगे देखिए वैल्यू, इनके NAV, और ये 365 दिन का आई, 30 दिन का आई लो वगैरह, इनका हमें जरूरत नहीं है, तो इनको पहले मैं डिलीट करके हटा देता हूँ, फालतू के आपको ज़्यादा डाटा नहीं दिखेंगे। और फिर यहाँ सिंबल पे क्लिक करके, और सबसे आखिरी खाने पर जब हम ऐसे सिलेक्ट करके सबसे आखिरी जो रो है शिफ्ट को दबा के रख के क्लिक करेंगे तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। इसको पूरा सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, 10,000 से कम वॉल्यूम वाले ETF को उठाना है। वॉल्यूम का कॉलम कौन सा है, जे में, देखो ये वॉल्यूम, यहाँ आप शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाइए, शॉर्ट एंड फिल्टर, कस्टम शॉर्ट पे गए हम, कस्टम शॉर्ट पे जाने के बाद शॉर्ट बाई वॉल्यूम पे गए, और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है, ओके कर दिया इसको। तो अब इसमें सबसे कम वॉल्यूम वाले ETF सबसे ऊपर आ गए, तो इनको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे कम वॉल्यूम वाले में कौन से सिलेक्ट करेंगे हम, जिनका वॉल्यूम 10,000 से कम है उनको हम हमारी लिस्ट में से हटा देंगे। 164 ETF थे, उनमें से ही हमने 62 ETF का वॉल्यूम ऐसा है जो 10,000 से कम है, इनको हम बिना पूछे ही डिलीट मार देंगे। तब 102 ETF हमारे पास रह गए, इसमें से अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो अंडरलिंक में पूरा दिखाता हूँ, ये अंडरलिंक पे क्लिक करके आपको कि ये किस एसेट पर आधारित है अंडरलिंक। तो जैसे निफ्टी भारत बॉन्ड है, तो ये क्या है, डेप्ट फंड है। हम सोना और चांदी का तो रख लेंगे, सोना और चांदी में तो साथ में हमारा सिस्टम से ट्रेडिंग चलती रहेगी, लेकिन ये डेट फंड में क्या है, बहुत कम चेंजेस होते हैं जो डेट फंड होते हैं उनमें, जैसे G-Sec 10, NSE इंडेक्स है, तो ये मुझे मैन्युअली इसमें से एक एक को चूज करके डिलीट करना पड़ेगा। आप चिंता मत करें, मैं इनको डिलीट करके, डिलीट करने के बाद जो ETF बचे हैं उनकी पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और इनमें से मैं एक एक मैन्युअली जो पहले डेट फंड इनमें से डिलीट कर दूंगा, वो पूरी लिस्ट मैं आपको भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये आज का पहला भाग मैं यहीं तक लूंगा, जो ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हो, लेकिन दूसरे भाग के लिए आपको ज़्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा, जल्दी दूसरा भाग ले आऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखिए, समझिए, इसमें से आप इस प्रकार की 83 ETF की लिस्ट तैयार कीजिए कि हमें ये शॉपकीपर अप्रोच जो करनी है, जो दुकानदार वाली विधि करनी है, जिसके अंदर हम लगभग पर डे मुनाफा कमा सकें। हो सकता है एक आधा दिन तो नहीं मिले, उसका क्या कह सकते हैं, हो सकता है कभी कभी 2-3 दिन लगातार भी नहीं मिले, लेकिन लगभग पर डे है, नियर अबाउट आपको कोई ना कोई ETF इसमें ऐसा आ जाएगा जो मुनाफा कमाने वाला मिल जाएगा। तो कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम मैं आपको समझाऊंगा, इसमें सब चीज़ें आ जाएगी, कोई भी चीज़ इसमें पीछे बचेगी नहीं, इसलिए लंबा ना हो इसलिए मैं इसको भाग में भर रहा हूँ। तो आज का पहला भाग देख के आप एक तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको कैसा इसमें मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा इस भाग को, आगे आपको कैसा रोमांच इसमें कितना महसूस हो रहा है, और आप भी इसमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप अपना सुझाव भी कमेंट में लिखिएगा, और वीडियो कैसा लगा आप वो भी कमेंट में लिखिएगा। आज बस इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है, यद्यपि मैं महेश चंद्र कौशिक सेबी से पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट हूं तथा मेरी तरफ से बेस्ट जानकारी प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करता हूं, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता, अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।
अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जावे तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वयं विवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। धन्यवाद।